ये प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स या फिर वाणिज्यिक बैंक द्वारा धन सृजन की प्रक्रिया। सबसे पहला है बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक को लोगों से नकदी जमा प्राप्त होती है जिसे प्राथमिक जमा या प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। बैंक्स लेंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। बैंक अपने कैश रिजर्व से कई गुना ज़्यादा पैसा उधार देते हैं, क्यों इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड, मनी इज लेंड बाय द कमर्शियल बैंक्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोअर्स। दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। पैसा वाणिज्यिक बैंक द्वारा नकदी के रूप में नहीं बल्कि क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में उधार दिया जाता है उधारकर्ताओं के बैंक अकाउंट में। इस क्रेडिट एंट्री की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, द्वितीय जमा। द बोरोअर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर अकाउंट। द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। उधारकर्ता उन खातों में क्रेडिट के खिलाफ चेक जारी कर सकते हैं जो चेक अर्थव्यवस्था में धन के रूप में प्रसारित होती है। अगला है प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, मतलब प्राथमिक जमा प्लस द्वितीय जमा, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंकों में लोगों द्वारा आयोजित डिमांड डिपॉजिट। अगला है टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक नो दैट ऑल द डिपॉजिटर्स वुड नॉट शो अप इन द बैंक टू विदड्रॉ ऑल द डिपॉजिट्स बाय वे ऑफ कैश। बैंकों के साथ कुल डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों के कैश रिजर्व से कई गुना अधिक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता है कि सभी डिपॉजिटर्स कैश रिजर्व के रूप में अपनी सभी डिपॉजिट वापस लेने के लिए बैंक में नहीं दिखेंगे। अगला है इफ़ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, द बैंक्स नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट्स एट एज कैश रिजर्व। इसमें यह है कि यदि अनुभव बताता है कि निकासी आमतौर पर लगभग 10% डिमांड डिपॉजिट होती है तो बैंकों को कैश रिजर्व के रूप में डिपॉजिट को केवल 10% रखने की आवश्यकता होती है। यह सब अनुभव पर डिपेंड करता है। ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। डिमांड डिपॉजिट अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई का काम करता है, जैसे लोगों के पास मौजूद कैश। डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड बाय द बैंक्स टू द होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई के रूप में सेवारत डिमांड डिपॉजिट को बैंक मनी कहा जाता है। यह बैंकों द्वारा बनाया गया पैसा है, क्योंकि यह सिस्टम में नकदी के रूप में नहीं बल्कि डिमांड डिपॉजिट धारकों के लिए बैंकों द्वारा जारी चेक के रूप में चल रहा है।